विकासनगर में हरीश रावत के प्रदेश अस्थिरता का माहौल वाले बयान पर प्रीतम सिंह ने कहा है कि हरीश रावत जी ने जो भी कहा वो किसी परिप्रेक्ष्य में कहा उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी के चार चरित्र को देखकर उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों ने हमारी सरकार को भी अस्थिर करने का काम किया था, लेकिन अब स्थिति सामने है। जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और पार्टी के जो है राष्ट्रीय महासचिव हैं, CWC के सदस्य हैं। अब उन्होंने कोई बात कही, अब किस परिप्रेक्ष्य में कही उसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र रहा है उसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने निश्चित रूप से अपनी बात कही। आप देख लीजिए इस प्रदेश के अंदर हमारी सरकार को सत्ता में बैठे हुए लोगों ने धनबल के आधार पर डिस्क्लोज करने का काम किया,